जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो एक्चुअली क्लास 10th, 11th, 12th मेडिकल एंड इंजीनियरिंग सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन सारी चीजों के लिए। क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई फिजिक्स की चीज बता रहा हूँ, ये एक जनरल चीज है जिसमें मैथ का कॉन्सेप्ट है और इसकी यूटिलाइजेशन हर जगह पे है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि जितने भी बच्चे हैं इसको बड़े ध्यान से इसकी स्टडी करें। और इसके लिए मैंने आपके लिए जो ट्रिक लाया वो ट्रिक बहुत ही सिंपल ट्रिक है, और अगर इस ट्रिक को ध्यान से समझा जाए तो जितनी भी सारी चीजें यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ ये आसानी से सॉल्व हो सकता है। ये जो है ट्रिक आपके लिए ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल की है, जिसमें ज्यादातर बच्चे को पता नहीं होता कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, टेन माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है। तो इस चीज के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना और ध्यान से देखना, जो भी चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो बकायदा एक ट्रिक होगा और उस पे बेस्ड ये सारी चीजें होंगी। और ट्रिक्स मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मैं एक ट्रिक मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको, ये जो ट्रिक है इसमें मैं एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ, वो सेंटेंस है ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, और जिसमें ऑल दैट मीन्स ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज जो है वो सिक्स है, आपको भी पता है, तो उसमें सारे आ जाएंगे, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टैन हो, और इसी का रिवर्स कॉसेक हो, सेक हो और कॉट हो, ये सब सिक्स ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज ऑल आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड एस फॉर स्टूडेंट दिस स्टेट्स दैट द साइन एस मीन्स साइन एंड द रिवर्स ऑफ साइन इज कॉसेक। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक सिर्फ ये पॉजिटिव होगा, एंड थर्ड के लिए मैं टी दिखा रहा हूं आपको यहाँ पे, टी दैट मीन्स टेन, और टेन के टेन और कॉट ये पॉजिटिव होंगे सिर्फ इसमें। और लास्ट जो है इसका सी, फर्स्ट वर्ड आप सी देख सकते हो, तो सी दैट मीन्स कॉस और इसका रिवर्स सेक, सिर्फ ये पॉजिटिव होगा। इसलिए ये जो ट्रिक है वो ट्रिक आपको मैंने दिखा दिया है, हालांकि मैंने उस जगह पे इस चीज को मेंशन कर ही दिया है, लेकिन इस पॉइंट पे भी मैं यहाँ पे आपको क्वाड्रेंट में इसको ट्रिक को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये मैंने लिख दिया ऑल, सेकेंड क्वाड्रेंट में मैंने लिख दिया स्टूडेंट, थर्ड में टू एंड फोर्थ में कॉलेज। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन आर पॉजिटिव, टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव, एंड कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सब पॉजिटिव है, रेस्ट जो भी है वो निगेटिव होगा। और एक चीज मैं आपको और बताऊंगा यहाँ पे, अगर 90 डिग्री अगर 1 का मल्टीप्लाई है, जैसे ये आप यहाँ पे देख रहे हो ये 90 है, दैट मीन्स आप लिख सकते हो 1 इंटू 90, तो अगर ये ऑड नंबर का मल्टीप्लाई है तो साइन का जो टर्म्स होगा वो कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस का टर्म होगा वो साइन में चेंज हो जाएगा, टेन का जो है वो कॉट में चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स 1 इंटू 90 दैट मीन 90। और दूसरा जो पार्ट है मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर मैं 3 इंटू 90 भी यहाँ पे लिख दूं, दैट मीन्स 270 के केस में भी ये चेंजेस आएंगे, 5 इंटू 90 के केस में भी ये चेंजेस आएगा, लेकिन अगर चेंजेस नहीं आता है तो किस में नहीं आएगा,
इवन नंबर के मल्टीप्लाई में, दैट मीन्स 2 × 90 मतलब 180 जहां पे होगा, चाहे वो 180 प्लस थीटा हो चाहे वो 180 माइनस थीटा हो, 4 × 90 दैट मीन्स 360 चाहे वो 360 माइनस थीटा हो चाहे वो 360 प्लस थीटा हो, वहां पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो चेंजेस कहाँ आ रहा है आपको मैं चेंजेस दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये साइन किस में चेंज हो रहा है, कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में, कॉट टेन में, और जहां पे भी 90 लगा हुआ है वहां पे चेंजेस है। तो इसके 90 माइनस थीटा वाला जैसे आप देख रहे हो इसमें चेंज है, तो 90 प्लस थीटा वाला भी चेंजेस है, देख सकते हो आप 90 प्लस थीटा वाले में भी चेंजेस है। 90 प्लस थीटा में क्या चेंजेस है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो प्लस थीटा में भी ये सेम चेंजेस, साइन कॉस में है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, और फिर उसी तरह से इस जगह पे भी कॉस एक सेक में, यहाँ पे भी कॉस एक सेक में, सेक कॉस में, और कॉट 90 माइनस थीटा 10 में। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मामला इवन नंबर का होगा तो इवन नंबर के केस में ये चेंजेस नहीं आता है। जैसे कि आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये 2 × 90 दैट मीन्स 180 का मामला है, ये 2 × 90 180 का मामला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं, मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, सेक है तो सेक रहेगा, कॉसेक है तो कॉसेक रहेगा, जो भी है एज इट इज रह जाएगा। और यही सेम 180 माइनस थीटा में है तो 180 प्लस थीटा में भी साइन में कोई चेंजेस नहीं मिलेगा आपको। ये देखिए साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा कॉस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा टेन थीटा। लेकिन 270 यहाँ पे आप देख रहे हो 270 दैट मीन्स ये 3 × 90 का प्रोडक्ट है, मतलब ये ऑड नंबर है तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। तो जो ऑड नंबर का मल्टीपल है चेंजेस सिर्फ उसमें आपको मिलेंगे, 270 माइनस थीटा हो चाहे वो 270 प्लस थीटा हो, ये किसका मल्टीप्लाई है, ऑड नंबर का, 90 ऑड नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो साइन हमेशा चेंज हो जाएगा। और लास्ट वाले में आप देखो 360 का मामला है, यहाँ पे 360 माइनस थीटा तो साइन, अब चूंकि ये क्या है 360 माइनस थीटा तो ये 4 × 90 मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 × 90 मतलब ये इवन नंबर का है तो इसलिए इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, साइन साइन में, कॉस कॉस में, टेन टेन में, कॉसेक कॉसेक में, सेक सेक में, और कॉट कॉट थीटा में, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। सिर्फ किस में चेंजेस आएगा, इवन नंबर के केस में चेंजेस नहीं आएगा, ऑड नंबर के चेंज में जो 90 का ऑड मल्टीप्लाई है सिर्फ उसमें चेंज आएगा। जबकि पहला वाला क्वाड्रेंट, पहले वाले कॉस माइनस थीटा की भी जब मैं बात कर रहा हूं तो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आता है। देखिए साइन माइनस थीटा साइन थीटा रह गया, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा रह गया, जबकि ये माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं। अब मैं बात करूंगा आपसे कि इसमें हमें कौन सा साइन अप्लाई किया जाए, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव का, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया आपके सामने, पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन के लिए हमें अब सिर्फ कुछ चीजों को ही देखना है। जैसा कि मैंने बताया आपको, ये साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा मतलब ये हो गया साइन माइनस थीटा, ये थीटा जो है ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में और नेगेटिव है तो माइनस थीटा ये है आपका। जब साइन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन सा है आपका, ये देखो कॉस और सेक, तो कॉस और सेक में सिर्फ आप पॉजिटिव लगाओ। तो बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इधर वाले के कॉस में लगाए पॉजिटिव या इधर वाले के केस में पॉजिटिव लगाए, तो मैं बता दूं लेफ्ट साइड का आप पार्ट देखोगे कॉस माइनस थीटा है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब ये पॉजिटिव है, सेक माइनस थीटा है तो मतलब ये पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, रेस्ट जो चार ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है वो सब नेगेटिव होंगे। अब मैं दूसरे वाले पार्ट में आ रहा हूं, दूसरे वाले पार्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे 1 × 90 जैसा कि मैंने पहले ही से ही आपसे बात कर ली है कि 1 × 90 मतलब ये क्या है, ऑड नंबर है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है ऑड नंबर, तो साइन तो कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, टेन कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉसेक सेक में चेंज हो जाएगा, सेक कॉसेक में चेंज हो जाएगा, कॉट टेन में चेंज हो जाएगा।
लेकिन 90 माइनस थीटा कहने का मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, सारा पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव, तो ये सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो सारा का सारा पॉजिटिव हो जाएगा, सिर्फ चेंजेस साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉसेक का सेक में, सेक का कॉसेक में, और कॉट का टेन में। ठीक, ये चेंजेस साइन 90 प्लस थीटा के लिए भी आएगा, लेकिन 90 प्लस थीटा कहने का मतलब ये 90 है आपका और प्लस थीटा ये हो गया, तो टोटल एंगल यहां से यहां तक की आपकी बन रही है 90 प्लस थीटा की। और 90 प्लस थीटा में क्या है कि इसमें सिर्फ आपका, आप देख सकते हो अगर आप ऊपर स्क्रॉल करोगे तो पता लग जाएगा साइन और कॉसेक ही सिर्फ पॉजिटिव है। तो साइन मैंने बताया, लेफ्ट साइड देखिए, साइन ये पॉजिटिव है और कॉसेक ये पॉजिटिव है, बाकी कोई पॉजिटिव नहीं है, सब में आप नेगेटिव अप्लाई कर दो बस, ये सब बाकी नेगेटिव है। इसी तरह से मैं अगर नेक्स्ट वाले बात करूं कि 180 माइनस थीटा, तो आप देखोगे यहां पे 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा में क्या है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो 180 तो पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा 180 बनता है, तो थीटा जो आपका है ये वाला पार्ट थीटा है, तो ये वाला पार्ट, ये रेस्ट पार्ट जो आपका है ये 180 माइनस थीटा का होगा। तो आप अभी भी सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ साइन और कॉसेक, सिर्फ ये पॉजिटिव होगा, तो साइन वाला पार्ट ये है, साइन ये पॉजिटिव होगा, कॉसेक ये है, ये पॉजिटिव होगा, और जैसा कि मैंने बताया था कि ये प्रोडक्ट किसका है, इवन नंबर का, 90 डिग्री इवन टू का मल्टीप्लाई है, तो इसमें साइन साइन में रह जाएगा, कॉस कॉस में रह जाएगा, टेन उसमें कोई चेंजेस नहीं होना है, तो इसमें आप बाकी पार्ट में आप क्या करोगे, माइनस अप्लाई कर दोगे, ये माइनस मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। इसी तरह से इसमें भी साइन 180, दैट मीन्स ये 2 × 90, तो इवन नंबर का प्रोडक्ट है, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन आप किस क्वाड्रेंट में आ रहे हो, 180 प्लस थीटा, तो 180 तो ऑटोमेटिकली यहां तक आ रहा है, प्लस थीटा ये भी थीटा इसमें इंक्लूड है, तो इसका मतलब आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ पॉजिटिव क्या होता है, टेन और कॉट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेन ये पॉजिटिव होगा और कॉट ये पॉजिटिव होगा, बाकी सारे का सारा निगेटिव, आप सीधा डायरेक्ट इसमें निगेटिव टिक कर दो। नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं, ये अब जो है आपके पास आ रहा है इवन नहीं है, ये ऑड नंबर का मल्टीप्लाई है, दैट मीन्स साइन चेंज हो जाएगा साइन कॉस में, तो अब 270 माइनस थीटा, 270 तो ये पूरा का पूरा 270 होता है, ये थीटा आप है, ये थीटा नहीं है, 270 तो ये पूरा का पूरा 270 है, और 270 माइनस थीटा मतलब यहां से यहां तक का पार्ट है, ये है 270 माइनस थीटा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने देख लिया अभी टेन और कॉट, तो ये टेन है और ये कॉट, ये सिर्फ पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव लगा दिया इसमें मैंने, बाकी सब नेगेटिव। फिर साइन ये भी आप देखो यहाँ पे, ये भी क्या है, 3 × 90 का प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब इसमें भी साइन चेंज होगा, तो साइन चेंज किया है मैंने, साइन कॉस में है, कॉस साइन में है, इस तरह की सारी चेंजेस ऑलरेडी, अब तो ये चेंजेस समझ में आ ही चुका है आपको। तो अब इसमें 270 प्लस थीटा, तो 270 ये है रहा, और प्लस थीटा दैट मींस इसमें आप चले आए, तो ये 270 प्लस थीटा टोटल आ गया, और ये चला गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, तो कॉस और सेक ये रहा आपका, कॉस ये पॉजिटिव होगा और ये सेक ये पॉजिटिव होगा, बाकी सारा पार्ट निगेटिव। लास्ट जो पार्ट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, होपफुली ये सारी चीजें अब आपके लिए बिल्कुल क्लियर होगी। लास्ट पार्ट में मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ वो 360 माइनस थीटा के लिए है, तो ये क्या है, इवन नंबर है, फोर जो है आपका इवन नंबर है, तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में, तो इसमें क्या है, इसमें भी आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये थीटा है, और ये पूरा का पूरा 360 ये यहां तक बनेगा, लेकिन माइनस थीटा करना है तो यहां तक ही आप रहोगे, तो ये 360 माइनस थीटा आएगा, तो इसमें भी कॉस और सेक ये दोनों ही पॉजिटिव है, और कोई तो पॉजिटिव है नहीं, तो कॉस ये रहा और ये सेक, तो सिर्फ ये पॉजिटिव है, ये और ये, बाकी सारे का सारा निगेटिव, इसमें भी निगेटिव, इसमें भी निगेटिव, इसमें भी निगेटिव, तो इस तरह से ये पूरा का पूरा पार्ट
बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है, आप समझ सकते हो, और इसका यूज बहुत ही ज्यादा है। तो होपफुली ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब आप लास्ट तक जरूर इस वीडियो को देखोगे और मेरे ख्याल से ये सारा कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह की और भी सारी ट्रिक्स को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपको सारी अपडेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, थैंक यू।